हमारे जो नौजवान है, युवा है, इनके मन की बात बताएं। बोलिए। ये बहुत सीधे होते हैं, इनके दिल में न कोई मलाल होता है न मैल होता है, इनके दिल में जो बस गया वो बस गया। कितना झूठ, जैसे हर नौजवान, कितना झूठ बोलेंगे आप? हम झूठ बोल रहे हैं भैया? हमारा नौजवान मतलब झूठ बोलता है? अगर आपको दिल में बसा लिया तो बसा लिया, और नहीं बसाया तो फेंक दिया, फिर दोबारा रिपीट नहीं करेगा। और जाके बरम बाबा के दरवाजे खड़ा होके एक ही चीज कहेगा, क्या? कि बरम बाबा बिन पूड़ी के मन है ना, ये देवता हूँ मैं बिन पूजा के मन है ना। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगी मेहरारू। हाय, क्या बात है। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगी मेहरारू। अच्छा, आप लोग काहे हंस रहे हैं भैया? हम कोई गलत चीज मांग लिए क्या? कौन ऐसा है जो जिसको मेहरारू नहीं अच्छी लगती? हाथ उठाओ। यह देखो, सबको तो अच्छी लगती यार, हम कह देते तो हमको खराब कहते हो। आप कहते हो यार, तो मेहरारू मांगा था। अरे मेहरारू मतलब ब्याह करे खातिर यार, मतलब तू सोचा था हीरो ने घुमावे खातिर खाली? नहीं, ब्याह करे खातिर सबका मेहरारू। जो जितने लोग ये देखिए आगे अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, जितने भी अधिकारीगण बैठे हैं, कहां सुना माफ, सब औरतों की इज्जत करते हैं। जिसने औरत की इज्जत किया वो आके अधिकारी बन गया, बड़े बड़े पदों पर बैठ गया। औरत हर आदमी को बढ़ाने में औरत होती। तुलसीदास को बढ़ाने में उनकी वाइफ थी, वाल्मीकि जी को और कालिदास को बढ़ाने में उनकी वाइफ थी। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। तो दुनिया हम मांगे थे तो कौन बुरा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मांगिए मांगिए। क्या मांगे? मेहरारू। अच्छा मेहरारू, हम बुला जाते हैं। ये भी हम मांग रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, अपने जनता के लिए, और हर डीलर के पास, यहाँ पे जितने गुप्ता डीलर्स, गुप्ता जी हैं और जितने डीलर्स हैं सबके पास ये मौजूद है। बहुत बढ़िया धान होता है। मेहरारू से बढ़िया कुछ लागे ना। लेकिन जो नौजवान हमारे हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, बुजुर्ग जो है वो बेचारे, उनके चेहरे पे अभी भी हंसी नहीं आ रही है। वो बेचारे उदास बैठे हैं, सोच रहे हैं कि यार डाई है, पोटास है, खाद है, खेत है, लड़के हैं, नाती है, पोता है, कहाँ कहाँ देखूं, कहाँ कहाँ से पैसा निकालूं, कहाँ कहाँ से कमाऊं। उनका दिमाग वहां पे लगा है। तो उनके लिए कहना है कि एक मन का है कि सब कुछ छोड़ के हम साधु हो जाई, और जाई अयोध्या पुल पे बैठी दाढ़ी मोछ रखाई। सच्चाई है, दिल से पूछिए उनके। एक मन का है कि सब कुछ छोड़ के हम साधु हो जाई, जाई अयोध्या पुल पे बैठी दाढ़ी मोछ रखाई। लेकिन तुरंत ख्याल मन में एक और आता है, क्या? बिन साधुआ इनके पूजा तब हुई है ना, ये देवता हूँ बिन पूजा के मनी है। अंत में हमारे नौजवानों के लिए है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी दुनिया में अपने साथ जैसा आदेश होगा। नौजवान क्या चाहता है कि हे भगवान तू हमें छोड़ के सबका लड़की बना दा, अनहरनमा हम हो जाती एक ठौरी कनवा राजा। सच्चाई है कि नहीं? अगर ये अकेले लड़की लड़के रह जाएंगे तो मजबूरी बन जाएगी। स्वाति जी किसको देखेंगे? अभी तो तमाम हजारों लोग खड़े हैं, अब किस पे नजर जाए? हमारे राकेश भाई भी खड़े हैं, जेठ जी कहाँ है राकेश भाई? वो तो दिखाइए नहीं पड़ रहे हैं। अब भाई जब डांस हो लगे तो यहाँ देखेंगे, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चलने लगे। और दिवा कर तुमसे कुछ मांगे ना, ये देवता हूँ मैं बिन पूजा के मनी है।